to my dear students. Welcome back to your YouTube channel, AP Impact Classes. So today we are going to discuss about OMR sheet. As you know, कल आपके एग्जाम्स जो है स्टार्ट हो जाएंगे. सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक कल आप लोगों के एग्जाम्स के लिए. आई होप के जो कंटेंट है, वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे. यस, होंगे भी ही. और अगर आपने ये वीडियोस देख ली तो डेफिनेटली आप एग्जाम में पक्का पक्का 101% पास हो जाओगे. पास ही नहीं, बहुत ही अच्छे नंबर जो है आपके आ जाएंगे, ठीक है. एंड और भी वीडियोज हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के आने वाले फ्यूचर में डालेंगे, ठीक है, जो कि आपके टर्म टू के एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं, फर्दर क्लासेस में आपको हेल्प कर सकते हैं. तो इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए. एंड या फिर सब्सक्राइब्ड अगर आपने कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि हमें भी सपोर्ट मिले आप लोगों का. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द ओएमआर शीट. तो जैसे कि आप जानते हो, कल हम लोग जो आंसर्स होंगे मैनुअली नहीं करेंगे. कोई आपको आंसर शीट नहीं मिलेगी. आंसर शीट के रूप में ओएमआर शीट जो होगी वो आपको मिलेगी. तो आपने एमसीक्यूज जो है, आप कहते हो कि एमसीक्यूज है भाई, बड़ा इजी है, एमसीक्यूज को फिल करना है ना, अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो ज्यादा सब्जेक्टिव लिखना नहीं पड़ेगा हमें. बट ओएमआर शीट भी अगर अच्छे तरीके से फिल करोगे तभी मजा है भाई, क्योंकि आप थोड़ी सी भी गलती कर दोगे. एक सर्किल जगह जैसे आपने कर दिया कि आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, है ना, उसका आंसर आपने सोचा बी है तो आपने बी लिख दिया. फर्दर आपको किसी फ्रेंड से पता लग गया या आपने खुद सोचा कि नहीं इसका आंसर बी नहीं सी हो सकता है, तो वहां अगर आप सी पे सर्कल कर दोगे, है ना, और आपने बी के ऊपर क्रॉस कर दिया, तो वहां आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है. तो आज हम बताएंगे कि कैसे ओएमआर शीट फिल करनी है. तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक, जो है अपनी वीडियो देखनी है ताकि आपको पूरी जानकारी जो है मिल जाए, ठीक है. चलो जी स्टार्ट करते हैं. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कॉलम है आपका, देखिए लिखा हुआ है कि सारे सारे फील्ड जो है आपने मैंडेटरी है, जरूरी है, सारे सारे भरने हैं, कोई खाली नहीं छोड़ना, ठीक है. तो देखो ऑल द फील्ड आर मैंडेटरी टू बी फील्ड, ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने कि पूरे पूरे जो फील्ड है आपने फिल करने हैं. तो फर्स्ट फील्ड जो है, मतलब फर्स्ट बॉक्स है, यू हैव टू राइट योर नेम. आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम लिखना है, कैंडिडेट ने अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स के अंदर, जो भी आपके रोल नंबर के अंदर दिया हुआ है वो वाला लिखना है, ठीक है. एंड ऑल्सो चेक डिटेल्स इन द रोल नंबर गिवन बाई योर टीचर्स और स्कूल. जो भी आपके स्कूल ने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो उसको आप जानकारी को, जो भी आपको डिटेल दी हुई है, रिपोर्ट कार्ड, सॉरी जो आपका एडमिट कार्ड है, रोल नंबर कहते हो आप उसको, तो उसमें जानकारी अपनी अच्छे से चेक कर लो. पेरेंट्स के नाम, अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी दिया हुआ है, गलत नहीं होना चाहिए. ऐसे भी हो सकता है कि जैसे आपका इंग्लिश मीडियम में है तो कई बार गलती से वहां पे पंजाबी मीडियम लिखा जाता है, ठीक है. ऐसे भी हो सकता है कि आपके फादर की स्पेलिंग गलत हो, आपके मदर की स्पेलिंग गलत हो, ठीक है. तो चेक कर लीजिए, बिकॉज सर्टिफिकेट जो होते हैं आगे आपके काफी काम आएंगे. तो अपने डिटेल्स जरूर चेक कर लीजिए. अगर किसी को गलती लगती है तो अपने टीचर्स के साथ जरूर इसके बारे में डिस्कस कीजिएगा, ठीक है. चलिए फिर फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर नेम. तो यहाँ पे जैसे कि किसी का नाम है रविंदर सिंह, ठीक है. तो यहाँ पे हमने लिख दिया रविंदर सिंह, ठीक है, आर ए वी आई एन डी ई आर रविंदर एस आई एन जी एस सिंह. तो यहाँ पे आपने पूरा नाम लिखना है. और अगर बच्चे के रोल नंबर के या फिर आपके बर्थ सर्टिफिकेट या आपके जो फैमिली के अंदर जैसे साथ में सरनेम भी लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जी आई डबल एल लिख दिया मैंने, है ना, तो यहाँ पे कोई सरनेम अगर लगाते हैं तो लिखना है आपने. अगर रोल नंबर के अंदर आपने लिखा हुआ है ना, जो आपने रोल नंबर के अंदर लिखा हुआ है, पहले तो उसको डिटेल को चेक कर लो, अगर वो ठीक है तो सेम डिटेल्स ही आपने इसके अंदर जो है फिल करनी है, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया जैसे रविंदर सिंह गिल, ठीक है. फादर का नाम जैसे हमने लिख दिया, उनके फादर का नाम है कुछ जैसे लिख दिया एस डब्ल्यू ए आर ए एन, ठीक है, एस आई एन जी एच. तो ये भी अगर सरनेम लिखा हुआ है तो लिखो, अगर नहीं लिखा हुआ है तो मत लिखो, ठीक है. अगर आपके पास यहाँ पे अब लड़की है, है ना, तो लड़कियों ने कैसे लिखना है, जैसे कि मनप्रीत कौर, इस तरीके से आपने लिख दिया. सरनेम नहीं लिखा हुआ तो मत लिखो, लिखा हुआ तो आप लिख सकते हो साथ में, ठीक है. वैसे ही फादर का नाम जैसे है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है. तो ये आपका था, आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर ही लिखना है इस चीज को. यहाँ पे कोई भी आप लोगों ने जैसे इस तरीके से बच्चे कर देते हैं ऐसे कि गलत पड़ गया भी यार, तो है ना, यहाँ कट करके दोबारा से लिख रहे हो आप, तो इस तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है. यू शुड राइट नीट एंड क्लीन, साफ साफ आपने लिखना है, राइटिंग अच्छी करनी है आपने, सही तरीके से जो है आपने लिखना है, लाइन में लिखना है, यानी कि ऊपर नीचे आपने अक्षरों को जो है वो कर दिया, ठीक है. तो उस तरीके से नहीं चलेगा, साफ साफ लिखना है भाई. नेक्स्ट उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे सेकंड नंबर होगा, थर्ड नंबर अब आप देखो क्या लिखा, एग्जाम सेंटर कोड. सो आपका जो रोल नंबर होगा उसके अंदर लिखा हुआ है एग्जाम सेंटर कोड, ठीक है. तो 5 डिजिट का वो नंबर होता है एग्जाम सेंटर कोड, तो वो जो है डिजिट 5 डिजिट जो होंगे आपने यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 0. सपोज आपके पास कोई एग्जाम कोड है,
ठीक है, वो है 0, 1, 2 सपोज, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, एक ये किसी का, ये मत सोचना किसी का कोई सेंटर कोड होगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो अब देखो, अभी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे मैंने लिख दिया, वैसे ही आप अपने रोल नंबर्स पे चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे 5 डिजिट नंबर लिखा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0 लिखा हुआ है ना, तो आपने क्या करना है, इसको फिल करना है अच्छे तरीके से, और ये नहीं कि सारे सारे डिजिट एक ही लाइन के अंदर कर देने हैं। आप देखो यहाँ पे 0 है, तो इसको मैंने फर्स्ट रो में किया है। अब 1 जिस रो में है ना, उस रो के नीचे आपने आना है, तो यहाँ पे जो है आपने 1 फिल करना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो है आपने 2 लिखा हुआ है, तो 2 जो है यहाँ पे इसको कंप्लीट, ये आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे तरीके से सर्कल जो है आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने ऐसे कर दिया है ना कि 2 लिखा हुआ है, चलो मैं इसको ऐसे टिक कर देता हूँ, दिस इज अ रॉन्ग रॉन्ग थिंग, ये गलत है, इसको टिक नहीं करना है आपने, ठीक है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं, यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है ना, तो ऐसे क्रॉस कर देंगे ऐसे, तो ये भी गलत तरीका है, क्रॉस नहीं करना, टिक नहीं करना है इसके ऊपर। और बच्चे ऐसे बिंदी भी लगा देते हैं ना, ऐसे डॉट सा लगा देंगे, तो वो डॉट नहीं लगाना हमें, इसको कम्प्लीटली फिल करना है, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको हाफ करके आधा करके ना इस तरीके से इसको आधा मून सा बना देते हैं, हाफ सर्कल कर देंगे, तो ये भी गलत है। हमने क्या करना है, कम्प्लीटली इसको पूरा का पूरा क्या करना है, फिल करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बाहर भी नहीं जाना है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको सर्कल के बीचों बीच में हमने इसको जो है कलर कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है 3 आ गया, तो 3 हमने यहाँ पे फिल कर दिया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने 4 ढूंढना है नेक्स्ट रो में, तो वहां पे हमने क्या कर देना है, 4 जो है वहां पे कर देना है, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके पास 4, तो यहाँ पे हमने बाहर नहीं जाना है, उसके कंप्यूटर के पास मेरा माउस है, थोड़ा हिल रहा है, तो ये बाहर जा रहा है, तो अपने सर्कल से बाहर नहीं जाना है। तो इस तरीका, ये आपका तरीका हो गया कि कैसे हम लोगों इन सर्कल्स को फिल करना है। जैसे कि आप देख सकते हो रोल नंबर, तो 8022 सबके आगे लिखा होगा, उसके आगे जो लिखा होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। सपोज लिखा हुआ है 6, ठीक है, सपोज लिखा हुआ है यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7, यहाँ लिखा हुआ है 0, यहाँ लिखा हुआ है 1, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आपने देखो यहाँ पे 8 है ना फर्स्ट रो में, तो 8 फिल किया है, 0 है 0। देखो आपने कलर देखो किस तरीके से डार्क पूरा किया हुआ है, सर्कल से बाहर नहीं जा रहा, सर्कल के अंदर ही अंदर जो है पूरा कम्प्लीटली जो है फिल किया हुआ है। 2 यहाँ पे देख सकते हो, फिर उसके बाद 2 नेक्स्ट रो में, ठीक है। उसके बाद 6 है, तो इसके नीचे वाली रो जो है वहां आपने देखनी है कि 6 कहाँ पे है, तो यहाँ पे 6 है, तो इसको आपने क्या करना है, पूरा का पूरा कम्प्लीटली इस तरीके से फिल कर देना है, ठीक है। साथ वाले को टच नहीं करना है, इसको ही अकेले आपने फिल कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 9 पे आ गए, तो इसको हमने कम्प्लीटली इस तरीके से जो है फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद 5th पे लिखा हुआ है, तो ये 5 आ गया हमारे पास, तो ये 5 जो है इस तरीके से हमने कम्प्लीटली इसको फिल कर दिया। उसके बाद 7 है, तो हमने 7 को फिल करना है, यहाँ पे पूरी तरीके से डार्क करना है इसको, ठीक है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, तो इस तरीके से पूरा पूरा इसको डार्क करना है। बिकॉज इसमें बता रही हूँ, OMR जो मशीन होती है वो चेक करेंगी, मैनुअल चेक मे भी हो मे भी ना हो पता नहीं, बट अगर मशीन चेक करेंगे तो इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कल गाढ़ा हुआ हो, डार्क हुआ हो, तभी वो इसको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 0 है हमारे पास नेक्स्ट रो में, उसको हमने फिल कर दिया, एंड नेक्स्ट 1 है, तो हमने इस तरीके से 1 को फिल कर दिया भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट 5th वाला जो आपके पास है, उसके अंदर क्या लिखना है आपने, सब्जेक्ट कोड एंड नेम। तो सब्जेक्ट कोड एंड नेम, कल आपका पेपर है पंजाबी और मैथ्स का, तो यहाँ से हम लोग ढूंढेंगे पंजाबी और मैथ्स कहाँ लिखा हुआ है, पंजाबी सोशल साइंस उर्दू हिंदी लिखा हुआ है, फर्स्ट पे 801 पे लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, इसको टिक नहीं करना आपने, इसको भी क्या करना है, सर्कल करना है इस तरीके से, ठीक है। इसको भी बाहर नहीं लेके जाना, भी अगर बाहर जा रहा है तो माउस की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको भी सर्कल कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है आंसर शीट नंबर, आंसर शीट नंबर के खाली छोड़ा हुआ है, तो इसमें क्या करना है आपने, आंसर शीट जो नंबर होगा वो यहाँ पे हमने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, कुछ हिदायतें दी हुई हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके बारे में जानेंगे। देखो फर्स्ट पे लिखा है गोला परनली नीले या काले पेन था, तो कोई पेंसिल नहीं यूज करेगा, कोई रेड पेन नहीं यूज करेगा, ओनली यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन, ठीक है। सो इन सर्कल्स को फिल करने के लिए ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन ही चलेगा आपके पास, कोई इरेजर पेंसिल जो है नहीं लेके जानी है वहां पे, सिर्फ ब्लू ब्लैक ही पेन चलेगा। उसके बाद है, इस शीट पे कोई रफ काम ना किया जाए, ये ओमर शीट है, आंसर शीट है, तो इस पे कोई भी रफ काम जो है वो नहीं करना है आपने, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस शीट पे कुछ फालतू ना लिखो, ना ही इसनु खुर्चो, तो इसको रफ टफ नहीं बना देना आपने,
ठीक है, जब तक आपके पास रहेगी तो सही से रखना है आपने, जो भी आपको काम करना है, आप जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर होगा उससे आप मांग सकते हो पेपर, वैसे कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर पंजाबी के पेपर में, तो मैथ्स के जरूरत पड़ सकती है, तो रफ काम के लिए वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आपको रफ स्पेस दी होती है वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो इस शीट में मुड़े तोड़ा ना जाए, है ना, सो कोई स्टेपल नहीं करेगा इसमें, फाड़ेगा नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद सर्कल सा सही जो है उस तरीके से सर्कल आपने करना है जैसे किया हुआ है इसमें, और गलत तरीका ये वाला है तो आपने इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, सारे इंचार्ज निर्धारित थावां विच भरे जान, ठीक है। तो इस तरीके इंद्रा सॉरी इंद्रा सॉरी इंद्रास है ना, तो सही तरीके ना तुम्हें देखना है तो भरना है। उसके बाद आंसर से आ जाओ, सो बिफोर हैंडिंग ओवर द आंसर शीट द इनविजिलेटर द कैंडिडेट शुड चेक द एग्जाम सेंटर कोड रोल नंबर सब्जेक्ट कोड नेम हैज बीन फिल करेक्टली। तो सारी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें ओवर शीट से तरीके ना चेक करनी है, क्योंकि एक बच्चे ना दा बच्चे भी हो कई हो सकते ने, ठीक है, एक फादर नेम ने कई फादर हो सकते ने, ठीक है। उस तरीके रोल नंबर जो है सही तरीके अपना चेक करना है, एग्जाम सेंटर कोड सही तरीके ना चेक करना है, ठीक है। उस तो पता आ जाओ तुम हम आंसर से चेक करना ठीक तरीके ने, तो पंजाबी का है तो आ सकता है 1 to 20, तो मैथ्स वास्ते आ सकते हैं 21 to 40, ठीक है। सॉरी थोड़ा तो 8th क्लास है ना, तो 8th क्लास वास्ते 1 to 40 एंड 41 to 80, इस तरीके ना थोड़ा पेपर जो है आएगा, दो क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिलेंगे, तो आंसर लिखने वास्ते ओमर शीट सिर्फ एक ही होगी, ठीक है। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है सही तरीके ना करना है, ये नहीं कि जिस तरह तुम इतने सर्कल करता फिर इतने सर्कल करता बाद में तुम्हें पता लगा आंसर था ए सीगा, फिर तुम कर रहे हो इसे बी तक करो, इस तरीके ना क्रॉस लगा रहे हो तो इतने टिक कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके ना नहीं करना है, यह गलत तरीका है, ठीक है। इस तरीके ना नहीं करना, सिर्फ एक ही सर्कल करना है, तो इस तरीके ना तुम इतने सिर्फ एक एक उत्ते ही सर्कल कर सकते हो जो भी थोड़ा आंसर होगा, ठीक है। सो उस तो बाद गल करिए अपना, तो इसका आंसर सी है ना, इस तरीके ना तुसी फिल करोगे विच। और गल करिए हुणा अपना नेक्स्ट वास्ते 7th 8th 9th जिहड़ा होएगा तुहाडा फील्ड, इत्थे डेट लिखनी है तुसी टेस्ट की, जिस तरह कल टेस्ट होएगी 20, ठीक है, तो तुसी लिखोगे 20 दसंबर, ठीक है, 2021, इस तरह भी लिख सकते हो, उस तो पता इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। साइन कैंडिडेट दे तुसे अपना पूरा नाम लिखना है, जिस तरह मंथ ने उसते भरिया सीगा ते कैपिटल नहीं, ते तुसे जेड़ा मर्जी लेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके नाल तुसे साइन जेड़े है पूरा नाम अपना लिख के करना है, इत्थे जेड़ा है इनविजिलेटर जो भी तुहाडा होएगा ते स्टैंप लगाएगा तो साइन करेगा अपनी, ठीक है ना। तो इस तरीके नाल सी इनफॉर्मेशन तुहाडी जिहड़ी ओमर शीट बारे सीगा, बस इत्थे है कि तुसे सर्कल करोगे ध्यान नाल, क्वेश्चन नंबर ध्यान नाल वेख के ध्यान नाल जेहड़ा गोला हैगा वा सर्कल जेहड़ा तुसे फिल करना है, ठीक है। तो 5th क्लास वास्ते भी इनफॉर्मेशन सेम ही हैगी है, ठीक है। जिस तरह 8th क्लास ने भरना है उसी तरह 5th क्लास भी सेम उस तरीके नाल ही भरेगी, जिस तरह कल थोड़ा पेपर पंजाबी ते एनवायरमेंट का है, तो तुसीं इस उत्ते फर्स्ट वाले दे इत्थे इस ते तुसीं सर्कल जिहड़ा हैगा वा कर देना हैगा, बाकी इनफॉर्मेशन जिहड़ी है सेम ही है जिस तरह कि तुहाडी 8th वालियां दी है, ठीक है। इत्थे देखो 40 ने, मतलब कि तुहानूं 1 to 20 ते 21 to 40 क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन पेपर दे विच आणगे, ठीक है। ते तुसीं एक ही ओमर शीट मिलेगी जिस तरह 8th क्लास नूं मिल रही है, तो उहदे उत्ते तुसीं अपने फिल जिहड़े हैगे आ इनफॉर्मेशन करनी है, ठीक है। दोनों की ही जानकारी बाकी सेम हैगी है, डिटेल सेम है ओमर शीट बारे, बस उत्थे असीं ने क्वेश्चनां वास्ते दित्ते हुए ने स्पेस, ते जिहड़ी 5th क्लास आ उहदे विच जिहड़ी इनफॉर्मेशन उह हैगी है 40 क्वेश्चनां बारे, ठीक है। उम्मीद करते हैं तुम्हें जानकारी वधिया लगी होगी, तुम्हें पता लग गया होगा कि ओमर शीट किदां फिल करनी है। अगर कोई क्वेरी हैगी है, कोई सवाल है तुहाडे मन दे विच, तुसीं कमेंट करके दस सकते हो। आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग।